बजेस प्लस कर सकते हो, ले सकते हो। यहाँ पे हमने 51 का प्लस किया। तो दोस्तों न्यू सीजन यहाँ पे आ चुका है, आपको बताएंगे सोलो बीआर रैंक कैसे फटाफट पुश करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप होगा, पहले आपका हीरोइक होगा, फिर मास्टर होगा, फिर गैंग मास्टर होगा। तो आपके फर्स्ट क्लास हीरोइक से स्टार्ट कर देंगे, फास्ट हीरोइक कैसे करेंगे वो भी मैं सोलो खेल के दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा गेम प्ले करके। वीडियो का लाइक गोल है 100 और 25 कमेंट, जो नहीं करेगा वो स्कूल में मार खाएगा अपने टीचर से, फिर देख लेना तुम अपना। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। अब तो कर दो। तो अभी मेरा स्कोर दोस्तों हो चुका है इलाइट हीरोइक 4 या समथिंग प्लस मेरा स्कोर हो चुका है, और ज्यादा प्लस मैंने सोलो रैंक खेल के ही किया है। तो आज आप फटाफट आपको ट्रिक बताते हैं। तो फर्स्ट आपको भी मेरी तरह कैरेक्टर्स की लेना पड़ेगा, तसुया, ल्यूक्विटा, मिसा मारो, और लोड आउट में आपको लेना है सीक्रेट क्लू। आपने अगर मेरी तरह पूरा स्टेप फॉलो किया तो आप 101% गैंड मास्टर जा सकते हो काफी इजी पीजी सोलो में। तो फटाफट आ जाओ और यहाँ पे आके वो गेम कर देना स्टार्ट। तो फर्स्ट आपको लॉबी में आते ही देखना है कि बंदे कैसे हैं लॉबी के। तो यहाँ मैंने देखा तो बंदे काफी बढ़िया है, ठीक ठाक बंदे हैं, खराब तो नहीं है कि नुबड़े मार के आप रैंक पुश कर सकते हो। यहाँ पे कुछ बंदे तो अपने स्टेट में अच्छे खासे पोजीशन पे भी हैं, तो थोड़ा हमको सर्वाइव कर खेलना पड़ेगा क्योंकि हमको करना है रैंक प्लस ना कि माइनस। तो आप लोग पूरा फॉलो करना मेरे को शुरू से लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप। अब आपको देखना पड़ेगा मैप में कि आपका सीक्रेट क्लू का लूट बॉक्स कहाँ पे है। अगर वो कहीं कहीं बीच में होगा पीक क्लॉक तो आपको वहाँ लैंड नहीं करना है, कहीं पे साइड होगा तो जाना है। साइड में यहाँ पे है मास इलेक्ट्रिक के साइड, और काफ़ी डिस्टेंस एयरशिप से बंदे भी वहाँ दूर तक नहीं जा पाएंगे, तो मैं लैंड कर गया उसके ऊपर। सीक्रेट क्लू बता दें आपको क्या मिलेगा इसमें, आपको लेवल 3 का वेस्ट, लेवल 3 का हेलमेट और लॉन्च पैड, और एक बढ़िया सा गन भी आपको मिल जाएगा। सीक्रेट क्लू काफ़ी बढ़िया चीज़ है, अपने में खुद में एक ब्लू जोन है छोटा सा जिससे आपकी तगड़ी लूट हो जाएगी, एक बंदे के लिए प्रॉपर लूट होती है उसमें। और आपको यहाँ पे ये भी देखना कि कोई बंदा आपके साथ नहीं आ रहा है। तो मैं ध्यान से यहाँ पे अपना फ्री आई का यूज किया और देखा एक बंदा मेरे साथ ही उतर रहा है दोस्त। तो यहाँ पे कहीं कहीं सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी है, इसमें क्या करना है आपको तस्वीर लगा कि जल्दी से लूटने की कोशिश करना है, बट वो बंदा मेरे से पहले आगे उतर गया है, उसकी लैंडिंग अच्छी थी। तो ऐसे आपके साथ भी हुआ होगा, आपकी लैंडिंग गड़बड़ हो सकती है कई बार, तो ऐसे सिचुएशन में आपको निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। मैं ऊपर आया सोचा गन मिल जाएगा, बट यहाँ पे किस्मत खराब थी, यहाँ पे भी गन नहीं मिला, तो आपको यहाँ पे मरना ही पड़ेगा दोस्त। कोई बात नहीं, बट सीक्रेट क्लू का आपका फ़ायदा ही होगा कि आप दोबारा जाके वहाँ पर लूट सकते हो। मैं दोबारा इसलिए वहाँ पर उतर रहा हूँ क्योंकि वो जो सीक्रेट क्लू है काफ़ी दूर है, वहाँ पर एनिमी नहीं जा पाएगा, इसलिए मैं वहाँ पर लैंड किया दोबारा। अगर ये चीज़ अगर पीक या ब्लू जोन वगैरह मरा तो मैं ही लैंड करता, और वो बंदा इतना चालाक था वहाँ से लूट करके और फिर से यहाँ पे वो आ चुका है। बट सीक्रेट क्लू से मेरे जो डब्बा है उससे दूर है, तो मैं इसको भी वॉल डाल के लूट लूँगा, क्योंकि हमारे पास था वेगर। वेगर का ही फ़ायदा है कि हमको एक वॉल मिल गया। ऐसे तो मैं यहाँ पे सीक्रेट क्लू का फायदा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लेवल 3 का वेस्ट, लेवल 3 का हेलमेट, एक मिल चुका है एक्स मेट, उस बंदे को गंदा डैमेज भी कर दिया मैंने। अब यहाँ पे उस बंदे कोई लोकेशन नहीं पता, वो बंदा फुल कवर में है, मैं परमानेंट कवर में हूँ नहीं, तो ऐसे में क्या करना है आपको अपनी लोकेशन चेंज करते रहना है, क्योंकि कोई बंदा पीछे से आ जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। बट यार कहीं कहीं आपके दिल में एक डर सा होता है कि कहीं गलती से मर गया तो मेरा रैंक तगड़ा वाला माइनस हो जाएगा, और हीटर की वजह से भी आप गेम प्ले नहीं कर पाते हो। तो सीन ऐसे मेरे साथ भी हुआ, उसको गंदा वाले मैंने हेड मारा, मेरे पास वाल भी 0 है, वाल लगा रहा हो, तो तस्सीया का फ़ायदा ये हुआ कि मैं जल्दी से कवर में चला गया। अब मेरे पास फाइनली यहाँ पे एक मिडकी था, वो भी मार लिया। अब तो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में आपको फाइट करने से बचना है और ज़्यादा ज़्यादा आपको डिस्टेंस बना के निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस बंदे को आप कैसे करके मार दोगे, नेक्स्ट बंदे को आप नहीं मार पाओगे, मान लो डैमेज कोई दूसरा बंदा भी आ जाएगा, और यहाँ पे आपका रैंक भी माइनस हो सकता है अगर आप अड़ियल बन के फाइट करोगे। तो चतुराई इसी में कि आप धीरे से पीछे को निकल लो, क्योंकि देखो मेरा हेल्थ भी कम हो चुका है, मेरे पास 104 की HP है। यहाँ पे लॉन्च पैड लगा के फटाक से निकलते हो, बंदा कहीं पे चला गया। तो ऐसे कुछ आपको भी शुरू में फाइट करने से अवॉइड करना है, बट यहाँ पे आपको फ्रैगिंग करना है। फ्रैगिंग मतलब है जहाँ दो बंदे तीन बंदे फाइट करें वहाँ पे किल चोरी कर लेना है, उसको फ्रैगिंग बोलते हैं, आपके अंदर कोई स्किल होती है। और आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी होगी, जब भी कोई न्यू घर में आप जाओ तो पहले होल्ड करके देख लो लेफ्ट राइट की उस घर में बंदा तो नहीं है ना कोई, तो आपको सीधा हेडशॉट दे सकता है, वो आपका रैंक माइनस हो जाएगा। कोई बंदा दिखाए तो मैं यहाँ पे घूमा, बट यहाँ पे लूट वूट सब कुछ हो चुका है, बंदा यहाँ पे एनिमी था। और आपको दिखाते हैं फ्रैगिंग कैसे करते हैं, से गन निकाला और जल्दी से उनकी तरफ बढ़ा, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। बट आपको ध्यान देना है कि तीसरा बंदा आपको ना मार दे, ये भी आपको रिस्क करना है। बंदा फाइट कर, मैंने यहाँ पे ओपी तरीके से मारा, बट यहाँ पे हेडशॉट नहीं लगा, बॉडी लगा और बंदे का गेम हो चुका। एक बंदा मेडी मार रहा है, तो मैं पता है इसका HP कम है, तो मैंने अंधारस कर दिया इसके ऊपर, इसको भी ओपी वाला हेडशॉट मारा और यहाँ पे किल ले गया। यहाँ पे हमारा 2 किल हो चुका है,
और तुरंत आपको जल्दी से मेडिक मारना और जल्दी से यहाँ से निकलना है, क्योंकि तीसरा बंदा भी कोई आपका फ्रैगिंग कर सकता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, मीसा लेके रखना है और मैप में हमेशा आपको देखते रहना कि गाड़ी वगैरह किधर है। एक मैं फुर्र हो गया, यहाँ पे हम ले लेते हैं लेवल 4 का वेस्ट। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है, देखो मैंने यहाँ पे जब भी आप लूट करो कुछ भी करो, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्रोनो या आपको वाल लगा के पैक करके कुछ भी लूटना है, क्योंकि सोलो में आपको कहीं से कभी भी पड़ सकता है। और यहाँ पे देखो पूरा मैप में मैं बाइक चला चला के पोजिशन मेंटेन कर लूँगा और लास्ट रोल तक फाइट करूँगा और भैया करने की कोशिश करूँगा। वैसे बेसिकली देखा जाए अगर टॉप 3 भी करते हो आप, तब भी आपका जबरदस्त प्लस होगा। मेरे ट्रिक आप फॉलो करते हो 101% तुम्हारा रैंक पक्का प्लस होगा। और आके तुम कमेंट जरूर बताना भाई तूफानी भाई तुम्हारी ट्रिक से मैंने किया और मैंने डायमंड हीरोइक किया या हीरोइक से मास्टर किया, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो। और यहाँ पे बाइक चला के हमने पोजीशन कर लिया मेंटेन और हो चुका है हमारा टॉप 12। और यहाँ पे एनिमी हमको मार रहा है, तो प्रॉपर फाइट आ चुका है कुछ बंदे को बाइक से उड़ाने का और की करने का। और यहाँ पे इसको यहाँ पे उड़ाया, 42 को डैमेज किया बंदे को। अब यहाँ पे आपको कुछ बंदों का हेल्प करना पड़ेगा, बाकी एनिमी मार के पोजीशन ऐसे निकाल देंगे। और यहाँ पे टॉप 10 होने वाला है हमारा और बढ़िया वाला प्लस होने वाला है। और यहाँ फिर से बंदा निकाला और इसको फिर से उड़ाया, 69 का डैमेज किया। और यहाँ पे एक कार वाला भी इसके पीछे आ चुका है और इधर से दोनों आमने सामने से मारा हुआ बंदे का ये एंड हो गया, देख सकते हो आप लोग। तो बिल्कुल यार गाड़ी चलाया करो, जो बंदे गाड़ी नहीं चलाते हैं देख सकते हो उनका यही हाल होता है। छोटा सा जोन होता है, अब गन से फाइट कम और गाड़ी से फाइट ज़्यादा होता है। अब जो न्यू सीजन भी आ रहे हैं, एक बंदा यहाँ पे था, इसने वॉल लगा लिया, जल्दी से मैं यहाँ पे निकलूंगा। ये गलती आपको नहीं करना है कि आपको वॉल लगाने पर गाड़ी रुक के उतर के मारना है, अभी गाड़ी रुक जाएगी तो आपको सीधा निकल लेना दोस्त। और देखो यहाँ पे इस बंदे का गेम और चुका है, जैसे कि मैंने बोला था जो बाइक नहीं चलाएगा उसका यही हाल होगा, देखते हो। तो यहाँ पे टॉप 7 बंदे बचे हैं अभी भी और यहाँ पे क्या टॉप 3 निकाल पाएंगे हम, क्या जबरदस्त प्लस निकलेगा हमारा। बिल्कुल मौका किसी बंदे को नहीं देंगे और किल वगैरह मिलेगा तो निकाल लेंगे GPG। तो इसी तरीके दोस्तों आपको भी करना है, आपको बिल्कुल गाड़ी या बाइक जो भी आप चलाते हो छोड़ना नहीं है, वाल वगैरह में ठुक के आपको रुकना नहीं है, गाड़ी वगैरह उड़ाते रहो ताकि एनिमी जो उनको मार सके, इससे भी आपका पोजीशन मेंटेन होगा। फिर गाड़ी स्लो किया, ऊपर से बंदा मेरे को मारना शुरू कर दिया, तो ये लालच में आप कभी मत आना कि ड्रॉप है लूट टू या कुछ और लेवल 4 का वेस्ट है या लेवल 3 कोई गंदी किया आपको चमकीला। पेशेंस लेवल जो आपका है बहुत हाई रखना पड़ेगा, तब जाके आपका रैंक प्लस होगा। ऐसे कर करके हमने इलाइट हीरोइक किया और अभी मेरा स्कोर लगभग 5000 होने वाले हैं। और देखो टॉप 5 हो चुका है, अब यहाँ पे हमारा जबरदस्त प्लस होने वाला है और भैया निकालने की पूरी कोशिश करेंगे हम। और यहाँ पे टॉप 3 हो चुका दोस्तों, भैया काफ़ी हम पास हैं और एक बंदा एक गाड़ी लेके मेरे पास है और इसको निपटा देते हैं जल्दी जल्दी। बट यार ये काफ़ी चालाक बंदा था और ये निकल लिया। और एक ऊपर बंदा है दूर से जो मार रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कवर नहीं छोड़ा, मेरे को गंदा और डैमेज होता, फिर से मैं गाड़ी पकड़ लेता हूँ नहीं तो फिर से हमको डैमेज पड़ेगा। और वो बंदा ऊपर है तो ऊपर का वो एडवांटेज लेगा, फायदा लेगा, ऊपर से हेड लगने की चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप भी ऐसे गलती ना करना, कहीं बंदा ऊपर हो तो आपको फाइट नहीं करना, इग्नोर करना। इस बंदे को या तो हम मैं मार दूँ या इस बंदे को मरवा दूँ, इसकी वाल वगैरह तोड़ के गाड़ी उड़ी से। और यहाँ पे इसको डैमेज गंदा वाला दिया, वो भाई कहाँ गया, जोन में गया और इस बंदे ने दूसरे बंदे से किल ले लिया यार। तो टॉप 2 हो चुका है, 1 भी हो चुका है और यार यहाँ पे ऊपर नीचे है, बड़ी मुश्किल हो रहा है मारने में, एम नहीं जा रहा उस बंदे पे, अभी एम गया। तो दोस्तों टॉप 2 हो चुका है, मैं अगर जीतता हूँ या मैं टॉप 2 ही करके मर जाता तब मेरा जबरदस्त प्लस होगा, बट हम पूरा भैया करने की ट्राई करेंगे। और यार ये ऐसा ज़मीन का ऐसा फासला है ऊपर नीचे कि यहाँ पे जो बंदे पे एम नहीं जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही बंदा पास में क्लोज में है, थोड़ा डिस्टेंस होता अगर तो मैं पूरा फायदा उठा लेता। और यहाँ पे इसने वेट करके होल्ड फायर करके मेरे को हेड दे दिया, तो मेरा कितना प्लस हुआ। ऐसे आप लोग भी बाइक वगैरह चला के जबरदस्त प्लस कर सकते हो, ले सकते हो। यहाँ पे हमने 51 का प्लस किया। चलो फिर दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो पे, ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय-बाय।